नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और यहाँ मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, जो कि हम गए थे अपनी शादी के बाद नैनीताल घूमने, तो मैंने कुछ क्लिपिंग्स बनाई हैं। साथ में मैंने इस मकसद से वीडियो नहीं बनाई कि मैं यूट्यूब पे डालूँगी, लेकिन बाद में मुझे ये आइडिया आया कि मुझे कुछ वीडियोज़ बनानी चाहिए थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरे पास है छोटी छोटी क्लिप्स जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, और थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स जो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे कहाँ क्लिक की। साथ में अगर आप नैनीताल घूमने का प्लानिंग बना रहे हैं तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ तो आइडिया मिल जाएगा। तो हमने किया था 3 दिन का ट्रिप, तो तीनों दिन का मैं अलग अलग 3 पार्ट्स में ये वीडियो डालूंगी। तो ये जो सीन आप सबसे पहले देख रहे हैं, जो फोटोग्राफी मैंने की है मोबाइल से ही की है, तो ये जो है माल रोड, यानी कि जब आप नैनीताल में एकदम एंटर कर जाते हैं, ये वहाँ का है लेक साइड, जो कि नैनीताल की जो मेन झील है वो है। तो आपको जो टैक्सी है जिस चीज़ से भी आप जाते हो वो आपको यहीं ड्रॉप करेगा इसी झील के पास। यहाँ से अगर आपने ऑनलाइन होटल्स बुक किए हैं तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर हमने तो ऑनलाइन ही होटल बुक किया था। और मैं होटल का नाम आपको बता देती हूँ, महाराजा। लेकिन मैं इसकी रिव्यू में ये बोलूँगी कि होटल बहुत ही रद्दा था, बहुत ही ख़राब था, इसकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जैसे कि आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा होटल का कमरा छोटा होना कोई बात नहीं, लेकिन खाने की गर्म पानी की कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं थी। इसलिए कभी भी आप नैनीताल जाएँ तो आप जाकर ही वहाँ पे होटल बुक करें, ना कि ऑनलाइन बुक करें। ऑनलाइन इन्होंने कॉस्टली भी दिया था, 3500 एक दिन का चार्ज था इनका। बाकी आपको जो है इनके होटल तक का पिकअप और घुमाने के लिए गाड़ी पिकअप तो इनका फ्री होता है होटल वालों का, साथ में इन्होंने हमें एक गाड़ी प्रोवाइड कराई जिसका चार्ज तो हमें ऑब्वियसली पेड करना था। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डे तैयार होकर बैठे थे टैक्सी के वेट में। तो सबसे पहले जो है इन्होंने हमें अपनी लिस्ट दी थी कि एक दिन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो हमने जो है वो फर्स्ट केव गार्डन जो है हमारा गाड़ी वाला हमें लेके गए। लिस्ट जो है वो लिस्ट में मेंशन रहता है कि कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है। तो एक दिन में आप उस रूट का पूरा ट्रैवल जो है वो एक दिन में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने केव गार्डन देखा, जहाँ पे पहाड़ों को काट काट करके गुफा बनाया गया है। तो इसमें जो है सिर्फ गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं। दूसरी गुफा होगी ना। टिकट चार्ज एक आदमी का 50 रुपये शायद लगा था, या 100 रुपये, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे केव गार्डन में हम घूम के आए, तो इन्होंने डिफरेंट वेरिएंट्स के साउंड्स लगा रखे हैं जानवरों के। पहले तो हम डर गए कि रियल के हैं, लेकिन उसके बाद हमें समझ में आया कि नहीं, साउंड हमने देखा, साउंड लगाया था। और यहाँ हमने थोड़े थोड़े सेल्फी क्लिक किए, साथ में हम हस्बैंड भी हैं। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम इस वीडियो को यूट्यूब मेरे चैनल पर डालेंगे, जो कि मेरी शादी, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी उत्तराखंड में हुई है। तो अब मैं अपने आने वाले वीडियोस में, आने वाले जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी, कहीं भी घूमने जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। और ये फोटो हिमालय दर्शन पॉइंट हुआ। अच्छा जी, ऐसे हिमालय दिखते हैं। अभी तो बादल लगे हैं। अगर फोटोग्राफी वगैरह करनी है आपने यहाँ पे? ये फोटोग्राफी तो वहाँ कर लिए, आगे करेंगे। हिमालय वही 10-11-12 बजे तक दिख रहा था। पर बर्फ इतनी है ना, अपने बर्फ के पहाड़ों में, जो कि ये पहाड़ है, लोग ऐसे ही यहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। और उस समय चूँकि धूप ज़्यादा थी तो ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं गिरी थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था। कोई ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी, कोई ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, चूँकि हम गए थे फरवरी के महीने में। फिर यहाँ हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और हम निकल गए। यहाँ पे बीच रास्ते में आप देख सकते हो, यहाँ से पहाड़ी के ऊपर, जो कि पूरा पहाड़ी का ही रास्ता है, कोई कहीं भी आपको प्लेन सरफेस रोड नहीं मिलेगी। तो ये जो झील आपको दिख रही है, ये वही झील है
जो हम मैंने पहले बताया कि नैनीताल झील जो मेन माल रोड की झील है वो यहाँ पहाड़ से ऐसी दिखती है। यहाँ पे भी आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, और हमने बस ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक कराई। उसके बाद हम निकल गए यहाँ पे, हमारे जो हमारा जो थर्ड डेस्टिनेशन था जी, लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, दो जो कि दोनों एक ही जगह है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, हमने वीडियोस तो नहीं बनाई, जो कि काफ़ी ऊपर है खाई के ऊपर, खाई है नीचे और पहाड़ों के ऊपर है। और यहाँ पे बस हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवा ली। यहाँ पे है हमारा थर्ड डेस्टिनेशन जो कि है वाटरफॉल का। आप कहीं भी जाते हो नैनीताल में तो आपको टिकट, ये वाटरफॉल का भी टिकट हमने दिया था 100 रुपीज़ पर पर्सन का। पैसे आपको हर जगह देने हैं, पेड करने हैं। और यहाँ पे भी वाटरफॉल था पहाड़ों के ऊपर से, ये नेचुरल। इसके बाद जो हमारा रिटर्निंग में हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद से रिटर्निंग में हमने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कराई जो कि खुरपा ताल है। इसका मानना ये है कि ये जो गाय का पंजा जैसा होता है उस आकार का ये ताल है, इसलिए इसको खुरपा ताल बोला गया है। साथ में इसके पीछे की एक और कहानी है कि ये जो है मौसम के हिसाब से ये झील जो है अपना कलर बदलती है। तो यहाँ हमने करते करते हमारा सफ़र जो हो गई थी शाम, तो हमारा ये एंड ऑफ द डे फर्स्ट है। और मैं सेकेंड डे का वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।